गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमने इसी की लास्ट क्लास में इसका आधा पेपर डिस्कस किया था। अब हम बाकी पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिससे ट्वेल्थ का एक पेपर या ट्वेल्थ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है कि H2O2 का प्रथम ऑर्डर से डिसोसिएशन होता है। जब हम इसको प्रथम ऑर्डर से डिसोसिएशन करते हैं, तो ये इसके इसने लॉग के बराबर दे रखा है, 4.2 - 1.0 × 10⁴। और इसमें हाफ लाइफ पीरियड 200 मिनट दे रखा है और हमसे पूछ रहा है इसकी ईए निकालो और इसका रेट कांस्टेंट निकालो। और ये क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का है? ये टोटल क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है ना? तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कशन कर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें हाफ लाइफ गिवन है, क्योंकि हमें हाफ लाइफ गिवन है, तो हाफ लाइफ में और रेट कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है। उसने हमको हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है 200 मिनट, तो के बराबर हो गया 0.693 / 200। तो आधा मार्क तो हमें मिला इस फॉर्मूले को लिखने का। अब 1 मार्क मिलेगा बाकी के लिए, जिसमें हमें आंसर भी निकालना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 0.034 मिनट, 0.034 पर मिनट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, और इससे हमें 1 मार्क मिल जाए। तो कुल मिलाकर हमें इस क्वेश्चन में 1.5 नंबर मिल गया। अब हमने इक्वेशन लिखी है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। आधा मार्क हमें इसमें फिर से मिल जाए, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब उसने हमको क्या दिया है कि जो लॉग के है, उसने हमको क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है कि जो लॉग के की वैल्यू है वो है 14.2 - 1 × 10⁴ / T/K। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता लग गया कि लॉग के की वैल्यू इतनी है। लॉग के की वैल्यू कितनी है? 14.3। लॉग के की वैल्यू है हमारी 14.3। या हम इससे डेटा निकाल सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में यहां पर ये वैल्यू रख दी, ठीक है ना, ये वैल्यू यहां रख दी, तो लॉग के तो हो गया इतना, और बाकी पार्ट को यहां रख दिया, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 लॉग ए से लॉग ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए से लॉग ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और हम सिर्फ इतने पार्ट को ही कंपेयर करें, सिर्फ इतने पार्ट को ही कंपेयर करेंगे। और ये पार्ट है ई ए इज इक्वल टू 2.303 RT इज इक्वल टू 1 × 10⁴। आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर इक्वेशन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो 298 केल्विन ले लेंगे, 298 केल्विन ले लेंगे। पर क्योंकि दोनों तरफ ही टी खाली है, तो टी से टी ये वाला पार्ट टी है, तो टी से टी कैंसिल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो ए बराबर हो जाएगा 2.303, आर की वैल्यू 8.314, और ये हमारा इतना है। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये हमको इतना मिलेगा जूल में, तो हमें फिर से 1 मार्क मिले। तो पूरा हमने 3 मार्क का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, क्लियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया। जब हम देखेंगे तो इसमें वो कह रहा है कि इसका ईएमएफ कैलकुलेट करो, इसका ईएमएफ कैलकुलेट करो, और उसने हमें इंडिविजुअल की रिएक्शन की वो भी दे रखी। तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट नीचे आते हैं जब माइनस साइन हो। इस फॉर्मूले को लिखने से हमको आधा मार्क मिल गया। अब हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकालने के लिए कैथोड में से एनोड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दे। इसमें कैथोड किसका होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है, और इसमें रिडक्शन हुआ है आयरन का, और क्रोमियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो हम आयरन की वैल्यू को यहां लिख दे माइनस 0.44 माइनस। क्रोमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है 0.74 माइनस 7.0। हमने इन सारी वैल्यूज को प्लस किया माइनस किया। जब हमने इनको प्लस और माइनस किया तो हमें ई नॉट की वैल्यू 0.3 वोल्ट मिल गई जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है ना। अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी नेगेटिव हो। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करें तो ई नॉट तो हो गया 0.0591। एन यहां पर क्या होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन में एन की वैल्यू 6 होगी। यहां पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि 6 कैसे होगी, तो हम देखते हैं ये 6 कैसे हो। तो ध्यान से देखो, अगर क्रोमियम प्लस 3 में कन्वर्ट होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता, लूज करता। जब आयरन प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो Fe बना देता है। अब यहां तो 2 है, यहां 3 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 3 2 6 और 3 2 6 बराबर हो गए। एन की वैल्यू 6 हो गई। हमको एरर नहीं हो, एन ऐसे ही निकालना चाहिए। या दूसरा मेथड ये है, ऐसे करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिए 3, कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2, बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब लॉग, ये दोनों ही प्रोडक्ट और ये तो सॉलिड है इसलिए छोड़ देंगे। इस क्रोमियम प्लस 3 को ऊपर लिखेंगे और इसकी पावर 2 आएगी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई। ये हमने छोड़ ही दिया है, यहां पर रिएक्टेंट में ये सॉलिड है तो छोड़ देंगे, तो नीचे आ जाएगा Fe प्लस 2 और Fe प्लस 2 की पावर 3 है। अब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन है, क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 और आयरन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1। अब कुछ बच्चों को कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती तो ध्यान रखना, ई सेल ई नॉट से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आता है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आता है, क्लियर। अब अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है नीचे वाला तो ज्यादा आएगा, और अगर ऊपर वाला कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कम आए, क्योंकि हमें देख रहा है ये ज्यादा है, उसमें तो -4 वैल्यू आएगी और इसमें -3 आएगी, तो ये ज्यादा है। तो आंसर अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा
तो भी आप इसको, ठीक है ना, तो भी आप इसको आसानी से कर सकते, फिर भी हम देख लेते। तो हमने इसको सॉल्व किया तो दो बार मल्टीप्लाई किया तो ये 1 × 10⁻⁴ हो गया और ये हो गया 1 × 10⁻⁴ और ये हो गया। अगर हम ये ऊपर ले जाए और ये नीचे ले आए तो ये साइन प्लस हो जाएगा, तो ये तो 4 हो गया और ये 3 हो गया, 3 से 3 को उड़ा दिया, ठीक है ना। तो बचा कितना, 0.1। 0.1 को ऊपर ले गए, 0.1 को ऊपर ले गए तो 10 हो गया और log 10 1 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा जब हम इतने पार्ट को डिवाइड करेंगे 6 से। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो आएगा 0.309 वोल्ट। तो देखो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पहले 300 था अब 309 हो गया। तो अगर कभी आपको कोई न्यूमेरिकल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह उसका आंसर लमसम भी लिख सकते। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्वेश्चन डी ब्लॉक से है। तो पहले हम ये साफ कर दें, तब तक आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लें। क्वेश्चन ये है कि जो Mn है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के साथ में 7 दिखाता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ में 4 ही दिखा पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Mn के साथ ऑक्सीजन पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जबकि फ्लोरीन ऐसा नहीं कर पाता। तो जो भी हायर ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ऑक्सीजन के साथ में स्टेबल होती है। रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों दिखाते, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल क्यों होती है। वेरिएबल को हिंदी में परिवर्ती संयोजकता भी कहते हैं। कुल मिलाकर वो हमसे कह रहा है कि ये कई सारी ऑक्सीडेशन नंबर क्यों दिखाता है। टोटल क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का था। अब हम चलते हैं और देखते हैं दूसरा। उसका रीजन ये होता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें N-1d और जो NS है इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होती है। कंपेरेबल एनर्जी होने की वजह से एस से भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं और डी से भी जाते हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं जिसमें Mn हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 7 दिखाता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, वो ध्यान से सुनना, एस के सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन डी के सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो अनपेयर्ड हो। एग्जाम्पल में हम यहाँ एक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, ये तो 2 है और ये 8 है। तो अब डी में 8 है तो क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एस। तो जिस भी एलिमेंट का ये कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन निकल का है तो देखो ये तो दोनों ही जाएंगे तो +2। अब ये 3 पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड है, डी के सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो अनपेयर्ड, इसलिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कि जो एक्टिनाइड है, जो एक्टिनाइड एलिमेंट है वो अब उनके कॉन्फ़िगरेशन में इररेगुलरिटी क्यों आती है।
ठीक है ना, कभी हाफ फिल्ड हो जाता है, कभी फुल फिल्ड हो जाता है, उसका भी आंसर मोर और लेस इसी बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो सेकेंड का, ये जो इनकी ऑर्बिटल्स हैं 4f, 4f, 5d, उनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, तो जरा सी देर में इलेक्ट्रॉन एफ से जाता है और अगला एनर्जी कम होने की वजह से अगला इलेक्ट्रॉन डी से जाता है, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी ऑफ एफ एंड डी ऑर्बिटल, ट्रांस एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सो इनरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एफ ब्लॉक के एलिमेंट समान एनर्जी होने की वजह से, इक्वल एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी दिखाते हैं। हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है ऑर्गेनिक से, और यहां पे ये कह रहा है इन रिएक्शंस को आप कंप्लीट करो, इन रिएक्शंस को आप कंप्लीट करो, तो हम करते हैं इन रिएक्शंस को कंप्लीट। पहली रिएक्शन आपको दिख रही होगी जो है इथर और एचआई के साथ, ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ज्यादातर ही पेपर्स में पूछी जाती है। इस रिएक्शन का कंसेप्ट ये है कि हेलोजन पहले टर्सरी से जुड़ेगा, फिर अगर आप 12th में हो तो बस दो ही बातें आपके लिए काफी है, पहले टर्सरी से जुड़ेगा, टर्सरी नहीं है तो बेंजाइल से जुड़ेगा, बेंजाइल नहीं है तो एलाइल से जुड़ेगा। अगर ये तीनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर छोटू मतलब छोटे अल्काइल ग्रुप से जुड़े। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो ग्रुप है वो टर्सरी है, मतलब इसमें टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है, तो टर्सरी ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये आई जाकर टर्सरी से जुड़ जाए, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH3 CH3, आई तो इधर लग जाएगा और एच इधर लग। अगर ये टर्सरी नहीं होता तो हम आयोडीन को ले जाते और छोटे अल्काइल ग्रुप से जोड़। अगले रिएक्शन वो हमसे कराने को कह रहा है किसके साथ, एक एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन से हम कैसे प्रोडक्ट बना, तो कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हाइड्रोबोरेशन से जब हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो H2O को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ते, या सिंपल सी बात है OH हमेशा बाहर लगेगा, तो ये हमारी प्रोपीन है और प्रोपीन का जब हम हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो OH हमेशा बाहर लगता है, तो ये तो OH हो जाएगा और ये CH2O, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में आई हुई है और कई बार भी आ सकती है। अगले रिएक्शन हमारे पास है फिनॉल की रिएक्शन, हम करा रहे हैं NaOH और CO2 के साथ में। इसको देखते ही हमको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये राइमर टीमान या कोलवे में से कौन सी रिएक्शन है, ये है कोलवे रिएक्शन, और कोलवे रिएक्शन में सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन ये हो, तीन रिएक्शन है, तीनों ही एक एक मार्क की हैं, तो अगर हम ये इक्वेशन लिख देंगे तो हमको आसानी से 3 मार्क्स मिल जाए। अगला क्वेश्चन फिर हमारे सामने स्क्रीन पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो जब हमने फर्स्ट रिएक्शन को देखा, देखकर पता लगा कि एमाइड एमाइड है। अब एमाइड की रिएक्शन जब हम Br2 और KOH से करते हैं तो इसको देखते ही पता लग गया कि यह हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, CO हटा दो,
और वापस जोड़ दो। तो जब मैंने बीच में से CO हटा लिया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, C6H5NH2। अगली रिएक्शन वो कहता है NaNO2 और HCl से रिएक्ट। इसको देखते ही पता लगा कि ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में NH2 की जगह पर N2Cl लग जाए तो अगला प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5N2Cl। और जब हम इसकी रिएक्शन KI से कराएंगे तो डायजोनियम कंपाउंड जब किसी से भी रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो N2Cl को हटाओ और नेगेटिव लगाओ। इतना करते ही हमने ये N2Cl तो हटा दिया और C6H5I बना, और इतना करने से हमको एक मार्क मिल गया। आधा ही मार्क काटे। अब हम चलते हैं दूसरे वाले, CH3Cl और KCN की रिएक्शन कराई, सब्स्टिट्यूशन हो रिएक्शन होगी और साइनाइड बन जाए। साइनाइड की तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, फुल हाइड्रोलिसिस, तो एसिड बन जाता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं तो एमाइड बन जाता है। अगर हम मेंडियस रिडक्शन करें तो CH3CH2NH2 बन जाएगा, और अगर स्टीफन रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा। हमने देखा इसने रिडक्शन कराया, तो साइनाइड का जब रिडक्शन कराते हैं फुल तो ये अमाइन में कन्वर्ट। जब अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराई तो देखकर पता लगा कि ये आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो इस NH2 की जगह पर NC लग जाए, मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक करनी है, ऑर्गेनिक करने के लिए आपको नेम रिएक्शन याद होनी ही चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन याद नहीं है तो डेफिनेट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो तीन प्रोडक्ट है फिर से, ठीक है ना, 1 2 3, हाफ हाफ मार्क्स के, तो फिर से हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हम चलेंगे और फिर नया क्वेश्चन डिस्कस कर। नया क्वेश्चन जो है वो बायो मॉलिक्यूल से लिया हुआ। तब तक आप क्वेश्चन पढ़े, मैं आपके लाइक बनाता हूं। आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि पेपर कितना आसान है अगर याद है तो। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर कौन कौन से दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो सब जानते हैं कि जब हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक होता है गैलेक्टोज और दूसरा होता है ग्लूकोज, और दोनों ही बीटा होते हैं। तो जब हमने लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करी तो एक तो मिला ग्लूकोज, कौन सा, बीटा डी, और नेक्स्ट होगा बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और इससे हमको आधे आधे मार्क्स के दो क्वेश्चन है, मतलब दोनों लिखने पर हमको आधा आधा मार्क मिले। दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन सी को हम अपनी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं कर सकते। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर में सॉल्युबल होता है तो बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है, इसलिए ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती है, एक तो नाइट्रोजन बेस
प्लस पेंटोज शुगर, जबकि न्यूक्लियोटाइड में, जबकि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए और आरएनए बनाते हैं, और न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन 100% आपको याद ही करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से लिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में जब उसने C6H5 की रिएक्शन CH3COCl से कराई, CH3COCl से कराई, तो क्या हुआ, इसके रिएक्शन कराने से जो प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, और फिर उसकी रिएक्शन NaOI से कराई, और फिर दूसरी साइड में इसकी रिएक्शन जिंक HG से कराई। जिंक HG को देखकर हमको पता लगा कि भैया ये तो क्या है, ये है क्लेमेंशन रिडक्शन। तो करते हैं शुरू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराएंगे तो हम देखेंगे, एक सेकेंड में इसको और देख लूं। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले C6H6 लिया, मतलब बेंजीन, और जब इस C6H6 की रिएक्शन हमने कराई CH3COCl से AlCl3 के प्रेजेंस, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से COCH3 बन गया, जिसको हम एसाइलेशन भी कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम है एसिटोफिनॉल। जब हम एसिटोफिनॉल की रिएक्शन NaOI के साथ कराते हैं, NaOI को देखते ही आपको नेम रिएक्शन आइडोफॉर्म याद हो जानी चाहिए। अगर 12th के बच्चे को आइडोफॉर्म रिएक्शन याद नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 12th का एग्जाम देने के लायक नहीं है। अगर आप 12th का एग्जाम देने के लायक बनना चाहते हो तो फौरन इसी क्षण आइडोफॉर्म याद करो। आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए 2-ON होना चाहिए या 2-ALL, एथेनॉल और इथेनॉल, चार लोग देते, 2-ON, 2-ALL, एथेनॉल और एथेनॉल। यहां पर ये 2-ON है तो ये बगल में हमेशा CH3 होगा, इस CH3 से तो CHI3 बन जाएगा आइडोफॉर्म, और बाकी पूरा पार्ट एसिड के सॉल्ट में बदल जाए। दूसरी तरफ उसने क्या किया, क्लेमेंशन रिडक्शन कराया। जब हम किसी का क्लेमेंशन रिडक्शन कराते हैं तो जो कीटोन ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट होता है, तो ये जो CHCO था वो CH2 में कन्वर्ट हो गया और इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो। जब हम किसी बेंजीन वाले कंपाउंड का KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके ऊपर जितने भी कार्बन अटैच हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, जो रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है वो एसिड में बदल जाता, और बाकी बचे हुए सारे कार्बन, चाहे यहां से लेकर आपके घर तक कार्बन जोड़े हुए हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे CO2 में बदल जाए। इसमें क्योंकि दो प्रोडक्ट हैं तो ये 2 मार्क का है, 3, 4, 5, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया। इसका और पार्ट भी है, ठीक है ना, कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, तो हम देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन क्या। कैनिजारो रिएक्शन में अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है
ये याद रखना, कई बच्चे अल्फा हाइड्रोजन तो याद रखते हैं लेकिन एल्डिहाइड भूल जाते हैं, तो वो कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो उसको भी कह देते हैं देगा। तो अगर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कहनी जरूरी, तो HCHO में भी नहीं है और बेंजल्डिहाइड में भी नहीं, और मोस्टली 12th में ये दो ही पूछे जाते। अब एग्जाम में कभी भी दो मॉलिक्यूल नहीं लिखे हो, या सिंगल है तो दूसरा मॉलिक्यूल आपको खुद लिखना है, चाहे तो आप रिपीट कर लो और नहीं तो टू लगा। अब कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन से बन जाएगा एसिड, फॉर्मिक एसिड, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेंगे तो एक मॉल एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से मिथेनॉल में, ऐसे ही बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो देगा। तो एक मॉलिक्यूल को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे एसिड या एसिड के सॉल्ट में, एसिड का सॉल्ट बेटर आंसर है एसिड से, तो MCQ में अगर सॉल्ट हो तो सॉल्ट को ही टिक करना है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो CH2OH में कन्वर्ट हो, मतलब बेंजाइल अल्कोहल बन जाए। कभी कभी क्रॉस कैनिजारो भी पूछी जाती है, क्रॉस कैनिजारो का मतलब है दोनों एल्डिहाइड अलग अलग। अगर ये दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है तो हमें ये बात याद होनी चाहिए, जो छोटा एल्डिहाइड है वो एसिड देगा और जो बड़ा एल्डिहाइड है वो अल्कोहल। तो जब हम इन दोनों की क्रॉस कैनिजारो करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड से तो एसिड बनेगा और बेंजल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, ये भी एक मार्क। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल सेमी कार्बोजोन की रिएक्शन पर, तो सेमी कार्बोजोन की रिएक्शन कैसे होगी देख। ये रिएक्शन अमोनिया के डेरिवेटिव्स की एल्डिहाइड के साथ, बहुत आसान रिएक्शन है, सिर्फ आपको इतना सीखना है ये एल्डिहाइड या कीटोन है और ये अमोनिया का डेरिवेटिव। अब वो सेमी कार्बोजोन कहे तो सेमी कार्बोजोन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है NH2 NHCO NH, तो जो CO से NH2 रिएक्ट कर अटैच है वो तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला H2O मिलकर H2O निकाल, और सारी रिएक्शन ऐसे ही होनी है। ये NCERT का क्वेश्चन भी है कि इस वाले NH2 ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये NH2CO के साथ रेजोनेंस में है इसलिए इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। अगर वो सेमी कार्बोजोन के बाद आप इसमें ब्राडे रिजेंट के साथ एक रिएक्शन है, मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ज्यादा ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीके ऑफ FCH2COH लोअर क्यों होती है Cl वाले से। तो सबसे पहले तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि एसिडिक नेचर और पीके में ये रिलेशन होता है, जिसका पीके कम वो ज्यादा एसिडिक। इसका मींस हुआ कि फ्लोरीन वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, सिंपल सा आंसर। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है वो एसिडिक नेचर को ज्यादा बढ़ाता है, तो फ्लोरीन का एसिडिक नेचर क्लोरीन से ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट NO2 का होता है, तो NO2 अगर हम लगा देंगे तो और फ्लोरीन से भी ज्यादा एसिडिक। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो हमें यहां पर कुछ नहीं सीखना, ये CN है और इस CN की रिएक्शन हमने डाई बाल से कर,
और बीच में एक डबल बॉन्ड जैसा भी लगाऊं जो डाइबॉल है। ये क्या करता है, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। डाइबॉल क्या करता है, साइनाइड और एस्टर को सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर। तो इस साइनाइड की जगह पर हमको कुछ नहीं करना, बस एल्डिहाइड ग्रुप लगाना। अगर एस्टर भी होता तो भी एल्डिहाइड ही बनाना है। क्लियर? तो भी हमको एल्डिहाइड ही बनाना। इसका आखिरी क्वेश्चन है, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन में डिफरेंस बताओ। तो देखो, प्रोपेनल तो ये होता है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट से क्या हम इसको कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा पर ये नहीं देगा। एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफॉर्म अगर नहीं आता तो आप ट्वेल्थ के लायक नहीं है, ट्वेल्थ में कोई फायदा नहीं है एग्जाम देने का। तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा टेस्ट ये है कि टॉलेंट टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते, तो अगर हम टॉलेंस फेलिंग्स करेंगे तो ये देगा, हाइड्रोफॉर्म देंगे तो ये देगा। मतलब तीन टेस्ट हमने कर रखे हैं, इन तीनों में से ही तीनों को ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तीनों को ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? हम आगे चलते हैं और देखते हैं। हमारा इस पेपर का आखिरी पार्ट आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो जिसमें 1.9 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड को 1.9 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड को 50 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाय मोलर मास इंटू डब्ल्यू। इतना लिखने से ही हमको आधा नंबर फॉर्मूले का मिल जाएगा, तो हमको आधा नंबर मिल गया। क्लियर? और यहां पर सीबीएसई ने इसको एक मार्क अलॉट किया, कितना मार्क, एक मार्क अलॉट किया। अब क्या हुआ, MgCl2 को उसने कहा है कि ये पूरा डिसोसिएट हो गया तो तीन आयंस बनेंगे। ये आपकी वैल्यू वाटर के लिए मोस्टली 1.86 होती है, क्वेश्चन में साथ में गिवन, वेट 1.9 ग्राम है, 1000 में कुछ कर नहीं सकते, मोलर मास 95 और सॉल्वेंट का वेट 50। तो क्या कोई बता सकता है इसका डिवीजन कितना आएगा? इसका डिवीजन आएगा 2.23 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 2.23 केल्विन, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट 2.2 कम हो जाएगा। अब डेल्टा टीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टीआई में से टीएस को माइनस, टीएफ की वैल्यू 2.23 है और टीआई प्योर सॉल्वेंट का 273 होगा, तो टीएस बराबर क्या हो जाएगा, 273 माइनस 2.23, तो अप्रोक्स 270.77 के आसपास फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये है कि 1 mg ग्लूकोज और 2 mg ग्लूकोज में से 1 mg ग्लूकोज और 2 mg ग्लूकोज में से किसका मोलर वेपर प्रेशर ज्यादा हो, नहीं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा
जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा और वेपर प्रेशर कम हो। तो 2m वाले ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ज्यादा हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो उसका ज्यादा। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दें तो क्या हो? तो देखते हैं क्वेश्चन। हमने क्या किया, यहां पर SPM लगा ली और यहां वाटर है और यहां सी वाटर। सी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसका लेस, तो नॉर्मल ऑस्मोसिस तो ये होगी क्योंकि सी वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। अब हमने सी वाटर के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो पहले सी वाटर का प्रेशर वाटर के बराबर हो जाएगा और ऑस्मोसिस रुक जाएगी। लेकिन अगर हमने पिस्टन को और दबा दिया तो ये वाली साइड, मतलब सी वाटर वाली साइड का प्रेशर और बढ़ जाएगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगी, जिस पर बेस्ड आरओ होता है। आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, अगला क्वेश्चन फिर फ्रीजिंग पॉइंट का है और वो कह रहा है जब 2.56 ग्राम सल्फर को 100 ग्राम CH2 में डिजोल्व करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.383 केल्विन लोअर हो जाता है। तो सल्फर में कितने एटम होंगे? एक बात ध्यान रखो, सॉल्यूशन के किसी भी न्यूमेरिकल को, सॉल्यूशन के किसी भी न्यूमेरिकल को बिना वांट ऑफ फैक्टर के नहीं करना चाहिए। तो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू डब्ल्यू। तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.38, आई हमको निकालना है, ठीक है ना, वांट ऑफ फैक्टर हमको निकालना है या एक्स निकालना है। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम आई यूज नहीं करें, सीधे मोलर मास निकाल। टीएफ की वैल्यू CH2 के लिए हमको पता होनी चाहिए और उसने हमको दी, तो ये है 3.8 और डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू दिया है 2.56, हजार हो जाएगा। डब्ल्यू है 100 ग्राम CH2, तो हमें मोलर मास ऑफ सल्फर निकाल। जब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मोलर मास 256 आ गया। अब सल्फर का मोलर मास, एटॉमिक मास तो उसने दे रखा है 32, तो हमने क्या किया 32 से इसे डिवाइड कर दी तो 8 आ। अगर आप आई रख के करते तो यहां पे एटॉमिक मास आप 32 ले लेते तो ये आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 8 आ जाती, तो सल्फर की एटॉमिक सिटी 8 हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि जो आरबीसी होती है वो NaCl के 0.95% सॉल्यूशन के या 0.9% सॉल्यूशन के आइसोटॉनिक होती है। मतलब आरबीसी को जब हम 0.9% NaCl में डालेंगे ना तो फूलेगी ना पिचकी। अगर हमने इससे ज्यादा परसेंटेज में डाली तो पिचक जाएगी और कम में डाली तो फूल जाएगी, फट जाएगी। तो 1.2 ज्यादा है 0.9 से, हाइपरटॉनिक है तो 1.2% में पिचक जाएगी और 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में फूल कर फट जाएगी। इस तरह हमने CBSE के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
मतलब एक करीब करीब हमने पूरी बुक ही एक साथ सॉल्व करी। जो बच्चे कमजोर हैं उनको चैप्टर वाइज पढ़ने में अब नुकसान होगा। चैप्टर वाइज पढ़ने में आपको नुकसान क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है आप काफी टाइम एक ही चैप्टर में लगा ले तो फिर आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाए। पर मैं जो आपको सॉल्व करा रहा हूं, मैं एक साथ आपको हर सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो अगर आप एक पेपर सॉल्व करते हैं मेरे साथ में तो आप ऑलमोस्ट पूरी बुक एक साथ याद कर रहे हैं। कुछ तो याद होगा, कोई तो ये आएगा, मतलब आपके पास होने की गारंटी है, प्लस अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो एग्जाम के टाइम पर अगर आप पास होने की जुगाड़ ढूंढ रहे हैं तो आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, आपको पूरा पेपर एक साथ, क्योंकि हो सकता है अगर आपने एक ही पेपर याद किया तो आपने पूरी बुक टच कर ली, लेकिन अगर आप एक चैप्टर लेके बैठ गए, और जनरली इस टाइम बच्चे ऑर्गेनिक लेकर बैठते हैं शुरू में, और जिसने भैया ऑर्गेनिक शुरू कर दी उसका कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनिक तो सागर है, तो सागर में डूब जाओगे और फिर फेल होकर ही निकलोगे। इसलिए बेटर है कि आप मेरे साथ चैप्टर वाइज पढ़ें। 100% आपको इसमें से एक अच्छे मार्क्स के लायक क्वेश्चन एग्जैक्ट या उसके जैसे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई के पुराने पेपर्स में से, एनसीईआरटी में से लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा पेपर इसी में से आएगा, पर हाँ आपके 80 मार्क कहीं नहीं जाएंगे 4 से 5 पेपर करने के बाद। आज मैंने एक पेपर पूरा कराया है, अगली क्लास में एक ही शॉट में हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।